तो फाइनली दोस्तों यूट्यूब की तरफ से दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल पुराना कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर इज बैक। जी हाँ दोस्तों, मेरा कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर बैक हो चुका है। उसको दोस्तों मैंने किस किस पैटर्न से दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को बैक किया है वो सब कुछ दोस्तों डिटेल में हम समझेंगे इस एक वीडियो के अंदर। वीडियो पे दोस्तों आप नए हो तो चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसमें सीखेंगे कि अगर आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाए तो उसको आपको दोस्तों किस तरीके से बैकअप में लेना चाहिए और किस तरीके से दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों आपको बचा लेना चाहिए यूट्यूब पर हैक होने से। दोस्तों यूट्यूबर जब आपके चैनल को हैक करते हैं तो उनको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिनसे वो दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल को हैक कर लेते हैं। अब दोस्तों वो तो किसी तरीके से उन सभी चीज़ों को जान लेते हैं, किसी भी तरीके से आपके यूट्यूब चैनल को हैक कर लेते हैं। अब दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल को वापस कैसे लाएंगे? अब दोस्तों यूट्यूब चैनल को वापस लाने के लिए आपके पास तीन चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनसे दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचाना चाहिए और दोस्तों आपका चैनल यूट्यूब पर कभी भी हैक नहीं होगा। इस बात की दोस्तों मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल कभी भी हैक नहीं हो सकता है यूट्यूब से, क्योंकि दोस्तों एक ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए जिन सभी ऑथेंटिकेशंस की ज़रूरत होती है वो सभी ऑथेंटिकेशन आप नहीं उनको अपने पास नोट कर पाते हैं और जब वो चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं तो दोस्तों आप उस समय पछता रहे होते हैं कि काश ये सभी चीज़ें हमारे पास होती। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी पिछले ही हफ्ते में हैक हुआ है। बड़ी मुश्किलों से दोस्तों मैंने उसको वापस लिया है। अगर वो सब चीज़ें मेरे पास होती तो दोस्तों मेरा YouTube चैनल भी कभी हैक नहीं होता और मैं उसको दोस्तों तुरंत ही वहाँ पे रिकवर कर पाता। अब दोस्तों क्या क्या गलतियाँ थी, क्या क्या गलतियाँ हम लोग अपने YouTube चैनल को बना तो लेते हैं दोस्तों फटाफट से ना, लेकिन दोस्तों अपनी ईमेल आईडी पर उन सभी सेफ्टियों को हम दोस्तों ध्यान नहीं रखते हैं जिनसे दोस्तों हमारा YouTube चैनल हो जाता है हैक। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे दोस्तों हमारा YouTube चैनल हैक होता है और जिनको हमें नहीं करना चाहिए और उन सभी चीज़ों को अपने पास नोट करके रखना चाहिए ताकि इन दिस फ्यूचर कोई भी हमारे यूट्यूब चैनल को हैक करे तो दोस्तों हमारी सालों की मेहनत बर्बाद ना हो और हमें दोस्तों उस समय पछतावा ना हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और समझते हैं एक जीमेल आईडी बनाते समय दोस्तों आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल कभी भी हैक ना हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहली बात कि दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये वीडियो है दोस्तों आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी। तो दोस्तों हम देखिए अपने चैनल पर चल रहे हैं, दोस्तों हमारे सामने हमारा चैनल चल रहा है जिस पे आप दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों हमारे चैनल का देखिए मोनेटाइजेशन इस समय बिल्कुल ऑन है, जो दोस्तों हम बहुत ही जल्दी इसको मोनेटाइज करवा लेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं 2047 हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, 5,400 घंटे से ऊपर का हमारे पास वॉच टाइम है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन है और 1 कम्युनिटी गाइडलाइन टैग हमारे चैनल पर आ गई है। तो दोस्तों यहाँ से हम डैशबोर्ड पर दिखाते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन टैग यहाँ पे आ रही है। अब दोस्तों हम यहाँ चलते हैं अपनी ईमेल आईडी पर। तो देखिए दोस्तों हमारे पास हमारी एक ईमेल आईडी है जिसको कि दोस्तों अगर आप हैक होने से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको इस पर क्या क्या करना पड़ेगा वो सब कुछ मैं दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी आप दोस्तों अपनी यूट्यूब चैनल को वर्क करते हैं उस पे आप आ जाइएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों अपने आइकॉन पर क्लिक करिएगा और दोस्तों आपको जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पर। जैसे आप दोस्तों मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर। अब दोस्तों आपको जाना है सिक्योरिटी पे। दोस्तों सिक्योरिटी पे बहुत ही जरूरी चीज़ें होती हैं जो दोस्तों हम लोग यूज करना भूल जाते हैं, उनको दोस्तों आपको यूज करके रखना चाहिए ताकि दोस्तों आपका इन दिस फ्यूचर कभी भी यूट्यूब चैनल हैक ना हो। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और दोस्तों नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ रहा होगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन। अगर दोस्तों 2-स्टेप वेरिफिकेशन को आपको दोस्तों ऑन नहीं किया है तो इसको आप दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी स्टेप हमारा यही है जिससे कि दोस्तों अगर 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपके चैनल पर ऑन होगा तो दोस्तों कोई भी अगर आपके चैनल को एक्सेस करेगा तो दोस्तों आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इस पर पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड अपने ईमेल आईडी के ऊपर दोस्तों दे रखा है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे दे देना है और दोस्तों इसको आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके करना है ताकि ये पता चल जाए कि इसमें जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, अदरवाइज कोई पर्सन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसमें आप नीचे तक स्क्रॉल करेंगे आपका देखिए सबसे पहली बात आपका मोबाइल लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें भी चल रहा होगा वो यहाँ पे आपको दोस्तों दिखा देगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है अपने मोबाइल नंबर को। ये दोस्तों दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप 2-स्टेप वेरिफिकेशन है, दूसरे स्टेप पे आपका मोबाइल नंबर आपकी ईमेल आईडी के अंदर कंपलसरी है जो दोस्तों आपको उसके अंदर लॉगिन करके वेरीफाई करके रखना चाहिए ताकि दोस्तों अगर इन दिस फ्यूचर आपका पासवर्ड हट जाए, आप पासवर्ड भूल जाए तो आप दोस्तों वहाँ से बैक कर सकें। दोस्तों जब भी कोई हैकर आपके यूट्यूब चैनल को हैक करेगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है 8-डिजिट वेरिफिकेशन कोड। जी हाँ दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जरूरी है 8-डिजिट कोड। अब दोस्तों 8-डिजिट कोड आप कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों ये आपको अपने पास लिख के रख लेना चाहिए या उनका प्रिंटआउट ले लेना चाहिए।
कहां से लेंगे दोस्तों वो 8-डिजिट वेरिफिकेशन कोड। तो दोस्तों इसके लिए आप नीचे आएंगे, यहां पर देखिए दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन आता है बैकअप कोड का, इस पर आप दोस्तों क्लिक करेंगे। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा गेट बैकअप कोड। आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपने अभी तक बैकअप कोड नहीं लेकर रखा है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और दोस्तों यहां पर देखेंगे आप दोस्तों आपके पास 10 यहां पर बैकअप कोड आ जाएंगे 8-डिजिट। दोस्तों यहां पर जो 8-डिजिट बैकअप कोड आ रहे हैं ये आपके पास 10 कोड आ रहे हैं, एक कोड को आप दोस्तों एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी को दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, यहां से प्रिंट ले लेना चाहिए या इसको डाउनलोड कर लीजिए, या आप दोस्तों कहीं पर अपने पास एक जो आपने रजिस्टर बना रखा हो जिसमें आपने अपनी मोस्ट जरूरी चीजें रख रखी हो उनमें दोस्तों आप इनको नोट करके रखिए। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब दोस्तों सबसे अहम जो एक चीज रह जाती है वो है दोस्तों, उसके लिए मैं इसको यहां पर बैक कर रहा हूं, आप दोस्तों इसको नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक आपके सामने ऑप्शन आएगा यहां पर रिकवरी मेल का। ये दोस्तों सबसे ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बैकअप में डाल के रखना चाहिए ताकि अगर कोई भी आपका यूट्यूब चैनल हैक कर ले तो दोस्तों किसी कारणवश तो आप दोस्तों बैकअप आईडी पर अपना कोड लेके दोस्तों उसको आप लॉगिन कर सकें। दोस्तों मेरा जो अभी ओल्ड चैनल कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर जो हैक हुआ है उसको दोस्तों मैं बैक कर पाया केवल इसी एक फीचर्स की बदौलत, जो कि दोस्तों यहां पे है रिकवरी मेल। वहां पे दोस्तों रिकवरी मेल का आपके पास एक ऑप्शन आता है, उसमें आप जब रिकवरी मेल डाल देंगे तो दोस्तों वहां पर जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो दोस्तों जिस ईमेल आईडी को दोस्तों आपने वेरीफाई कर रखा है अपनी सेकंड ईमेल आईडी को, उस पर दोस्तों एक 8-डिजिट का कोड चला जाता है यूट्यूब की तरफ से, सॉरी दोस्तों गूगल की तरफ से। गूगल की कोड जो आप जाएगा वो कोड आप जब दोस्तों उसमें लॉगिन करेंगे तो दोस्तों वो आपका वेरिफिकेशन कोड माना जाएगा और दोस्तों वहां से आप दोस्तों इसको लॉगिन कर लेंगे। इसमें आपको दोस्तों करना क्या है, मैं इस पर देखिए जहां पर क्लिक करता हूं, यहां पर देखिए दोस्तों आपसे मांग रहा है रिकवरी मेल आईडी, तो हम यहां पर रिकवरी ईमेल डाल देते हैं जो दोस्तों मुझे यहां पर मेल करना है जिसके द्वारा दोस्तों मैं इसको कनेक्ट करना चाह रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने मांग रहा है वेरीफाई योर रिकवरी ईमेल कोड, तो दोस्तों इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर 6-डिजिट कोड सेंड योर ईमेल आईडी, यानी कि जिस ईमेल आईडी को आपने दोस्तों बैकअप में डाला है उस ईमेल आईडी पर एक कोड गया है, वो कोड आपको यहां पर वेरीफाई करना है। तो हम दोस्तों उस ईमेल आईडी पर चलते हैं। आप दोस्तों देख रहे होंगे मेरा, देखिए दोस्तों पुराना चैनल यहां पर बैक होकर आ चुका है। अभी दोस्तों मेरे चैनल पे ऊपर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई हुई है जो कि एक हफ्ते के लिए है, इस चक्कर दोस्तों मेरी सारी वीडियो यहां पर प्राइवेट में है तो इसलिए दोस्तों मैं अभी इनको लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं, कल ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी तो दोस्तों मैं यहां पर अपनी सभी वीडियोज को फिर से पब्लिश कर दूंगा जो मेरे ओल्ड चैनल पर थी कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर। अब दोस्तों हम यहां क्लिक करते हैं, दोस्तों हम चलते हैं जीमेल पर, तो हमने यहां पर दोस्तों अपनी जीमेल आईडी को खोल दिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर अपडेट वाला सेक्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां देखेंगे दोस्तों हमारे पास एक रिकवरी कोड आ चुका है, हम इस कोड को यहां से लेंगे, इस कोड को दोस्तों हम यहां से कॉपी कर लेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे उसको पेस्ट कर देंगे और दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों रिकवरी ईमेल वेरीफाई, यानी दोस्तों हमारी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन हो चुका है कि हमने इसको दूसरी ईमेल आईडी से दोस्तों कनेक्ट कर दिया है। इन दिस फ्यूचर कभी अगर हमारे सामने ऐसे हालात आए तो दोस्तों हम उसका बैकअप ले सकेंगे और दोस्तों अपने चैनल को बैक यहां पे कर सकेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल को दोस्तों अगर आपको बैक करना है तो दोस्तों आपके पास ये तीन और चार और चीज़ें होनी चाहिए जिनसे आप दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को बैक कर सकते हैं फिर से, और साथ ही साथ दोस्तों अपने YouTube चैनल को दोस्तों बचा सकते हैं किसी भी हैकर से, क्योंकि दोस्तों एक YouTube चैनल को खड़ा करने में दोस्तों आपको सालों की मेहनत होती है और कोई भी बंदा दोस्तों एक चुटकी में आपके YouTube लाइफ को खत्म कर सकता है। तो उस YouTube लाइफ को खत्म होने से बचाना है तो दोस्तों इन सभी वेरिफिकेशंस को आपको करके रखना चाहिए अपनी ईमेल आईडी के अंदर, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर ना करें किसी के भी साथ अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।